एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वुमेन विंग्स। तो ये आज नवरात्रि का सातवां दिन है यानी सप्तमी का दिन है और यहाँ रात की पूजा की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो सप्तमी के दिन माता का पूरा श्रृंगार किया जाता है और उनको श्रृंगार चढ़ाया भी जाता है। तो जो भी आपसे हो सके वो आप चढ़ाइए। तो हम लोग शुरू से देखते आए हैं जो उसी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल नई एक साड़ी थी और साथ में जो सुहाग का सारा सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम, जो भी मतलब कुछ भी आप चढ़ाइए, लेकिन बस जोड़े में नहीं होना चाहिए और काला नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होता है, लेकिन कैसे भी करिए थोड़ा बहुत कुछ आ ही जाता है। जैसे अब ये नेल पेंट है तो इसका ऊपर का कैप थोड़ा काला है, तो अब जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो एक ये थाली देखिए तैयार हो गई, सारा सुहाग इसमें तैयार कर दिए हैं। एक थाली और तैयार करेंगे, एक छोटी वाली बहन चढ़ा रही है, एक हम चढ़ाएंगे। उसके बाद ये दूसरे दिन सुहाग जो होता है वो सुहागिनों को दिया जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें रख रहे हैं और दूसरी थाली में भी सेम उसी तरीके से चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, मेहंदी, कुमकुम जो भी होता है सब चढ़ाएंगे। और फिर इसके बाद माता के जो मतलब माता का श्रृंगार करने के लिए जो जो चीज़ें लाए हैं उसको भी इसी तरीके से एक थाली में लगा लेंगे। तो अब यहाँ एक और थाली सजा रहे हैं जिसमें माता का श्रृंगार करने के लिए सारे वस्त्र हैं और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ लाल चुन्नी है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। ऐसी किनारी वाली जो चुन्नियाँ होती है ना वो बहुत ही सुंदर लगती हैं देखने में। उसके बाद यहाँ पे लाल रंग का लहंगा है जिसका बॉर्डर बहुत सुंदर लग रहा है और सेम वैसा ही लहंगा एक और है रानी कलर का। और ये दो मालाएँ हैं जो कि मतलब गुलाब के शेप में जो होता है ना वो वाली मालाएं हैं। तो ये जो श्रृंगार है ये माता का श्रृंगार है, ये अभी किया जाएगा। ऊपर से अलग से चुन्नी उड़ाने के लिए ये देखिए और चुन्नियां हैं और बहुत ही सुंदर होता है। मतलब माता का जब श्रृंगार हो जाता है उनका हर रूप इतना प्यारा होता है कि बस लगता है देखते ही जाएँ। तो अब इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए जो रोट चढ़ाया जाता है उसको बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पूजा गुड़ को भिगो के पानी में मतलब रखी थी जिससे कि वो बिल्कुल घुल जाए और उसके बाद ये रोट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब रोट भी एक हिसाब में बनाया जाएगा, 5 या 7 या 11, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा और पूजा का तो व्रत ही है। बचे बस मम्मी, पापा, मुनमुन और गन्नू। तो मुनमुन को ज़्यादा मीठा पसंद है नहीं, गन्नू भी ऐसे ही है और मम्मी शुगर के वजह से ज़्यादा खा नहीं सकती। तो इसलिए बहुत हिसाब में हम लोग 9 या 11 ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे, ताकि वो प्रसाद अच्छे से सब लोग खा लें। तो इतना ही चढ़ाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देसी घी कढ़ाई में डाल दिए हैं और ये रोट इतने हाथ से ही मतलब बेलन की मदद से नहीं, हाथ से ही करके बना लिए गए हैं। अब इनको हम लोग छानेंगे। तो ये पूजा ही छान रही है, हम बाकी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अब ये रोट बनेगा, उसके बाद पूजा की जाएगी। चैनल पे न्यू है और फर्स्ट टाइम हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको हर ब्लॉग के और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियोस को वॉच कर सकेंगे। तो ये देखिए प्रसाद भी हो गया है तैयार और जो माता रानी के आंचल में आज अनार बांध के रखा जाएगा वो भी ले लिए हैं। तो चलिए अब पूजा कर लेते हैं।
का श्रृंगार भी हो गया है और आरती भी हो गई, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। Thank you.